अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये किसका बैग है बताइए? आपका तो नहीं है, तो समराप्पी का है बैग। और ये ड्रेस किसकी है? ड्रेस किसकी है? ये आपकी है। अच्छा, आप कौन से स्कूल जा रही हैं बताइए? गुरु नानक जा रही हैं। किसके साथ जा रही हैं? और टिफिन में क्या है आपके? टिफिन में क्या रखा है आपने? क्या मखाने तो दिखाया नहीं आपने, टिफिन दिखाई है तो। अच्छा आप दिखा दो। अच्छा आप दिखा दो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये क्या बोलते हैं इसको? मखाने? पता नहीं आपको, मखाने बोलते हैं इसको। अच्छा खाएंगी ना स्कूल जाके? जब लंच होगा तब खाइएगा, ठीक? ओके, लाइव बंद कर दो। सब गिर जाएंगे इतना खुश स्कूल जाने के लिए। सलाम तो करिए, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाथ तो मिलाओ, हाथ मिला लीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप बैठ के स्कूल। अल्लाह हाफिज। अम्मा इन ऊपर खड़ी हो करी दे के हाजिर है। चलो वीडियो रूम बना। अल्लाह हाफिज, टाटा। ये फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है एसी का कवर जो कि हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो विंटर में जो है एसी को कवर करने की ज़रूरत पड़ जाती है, और क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह काफ़ी जमा हो जाती है, इसलिए हमें विंटर में एसी को कवर ज़रूर करना चाहिए। इसलिए मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फ्रेंड्स, मैंने कल जो है धनिया इस तरह से काटी, इसकी जड़ों से काट दी जो कि मुझे नहीं काटनी चाहिए। आई मीन उखाड़ ली मैंने, इसको खींच लिया तो पापा ने बोला कि नहीं, इसको इस तरह से मत निकालो, इसको इस तरह से कैंची से ऊपर ऊपर से काट लो ताकि वो जड़ जो है अंदर रहेगी और नेक्स्ट टाइम ये फिर से ग्रो होगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब मैं इसको कैंची से कट कर लेती हूँ। तो चलो कट करते हैं और दिखाते हैं आपको। जितना मतलब यूज होता है उतना ही काटेंगे हम इसको। अभी धनिया है क्या? हाँ रखी है। तुम ले गई तोड़ करके? तो ये छोटा में काटी, बड़ी बड़ी काटी, ये तो निकल रहा है अभी। ये बड़े बड़े हैं जैसे ये वैसे भी। हाँ ये सबसे बड़ा है, तो ज्यादा ना काटिए क्योंकि है हम लोग के पास अभी धनिया। और जो कोई जो लाल हो रही पीली हो रही है, जो पीली हो रही हैं हम उसको इस तरह से काट लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम ही निकल सके। ये देखिए ये हमने काट लिया इसको। बस इतनी काफी है? अम्मी और दिन काटी तो रखी है। ठीक है, बस तो एक और काट लेते हैं, उसके बाद रहने देते हैं। तो जी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने अम्मी को कैमरा पकड़ा है और अम्मी कैसे वीडियो बना रही है, मेरा उसमें सिर्फ हाथ दिख रहा है, काटते हुए तो दिख ही नहीं रहा है। अम्मी लोग भी ना, उनको इन सब चीज़ों की आदत नहीं होती है ना, इसलिए। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है वायरलेस हेडफोन। तो फ्रेंड्स चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा है और फिर इसका रिव्यू देते हैं आपको। तो ये देखिए कुछ इस तरह से अंदर है इसके, इसको हम खोलेंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे समरा पड़ रही है इसलिए मैं यहीं पर अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से है, और अब इसका जब यूज़ करेंगे तो आपको बताएंगे।
तो जी यहाँ पर मैं भाई को दे रही हूँ नाश्ता, चाय और पराठा। कभी कभी सब्ज़ी होती है तो आज उनको चाय दी जा रही है। चाय वो नहीं पीते हैं मोस्टली सुबह के वक्त, और पर अंडा वो खाते नहीं हैं, और अंडा तो खैर मैं भी नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे भी अंडा इतना पसंद नहीं है। और यहाँ पर अब उनके जाने का टाइम हो गया है, वो जा रहे हैं। सुबह पापा और भाई दोनों लोग निकल जाते हैं जल्दी, उसके बाद हमारे जितने भी काम पड़े होते हैं वो सारे हम लोग कम्प्लीट कर लेते हैं। तो जी यहाँ बनने जा रहा है रोस्टेड हमारे स्टाइल में, तो चलो देख लेते हैं कैसे बनेगा। जीरा पाउडर, चाट मसाला, ठीक है ये वो है, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, नमक, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर और ये एक पूरा लेमन, ठीक। तो जी यहाँ पर बेसन है, ये है मैदा और ये है सूजी और ये है हमारा दही, तो चलो बनाते हैं। तो जी यहाँ पर हमने ले लिया चिकन, इसको हम थोड़ा सा नमक और फूड कलर डालकर बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए बॉईल हो चुका है, इसको हल्का ही बॉईल करेंगे, ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, बस इतना कि ये गल जाए। और उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट लगाना भूल गए थे, इसलिए यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट हम लगा रहे हैं। तो जी अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाने के बाद यहाँ पर इसमें डाल रहे हैं नींबू, इसमें एक लेमन पूरा लगेगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही, दही को अच्छे से डालकर इसको अच्छे से मिला लेना है ताकि ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए दही इसमें। और उसके बाद हम जो सारे मसाले हैं जो कि हमने निकाले थे वो हम सारे इसमें डाल देंगे। एंड देन यहाँ पर जो हमने बेसन, सूजी और मैदा लिया था ये भी हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसको हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। हमने इसको एक घंटे के लिए रखा था, आप चाहे तो देर तक भी रख सकते हो या फौरन भी इसको पका सकते हो, कोई वो नहीं है। आप 15 से 20 मिनट बाद भी इसको पका सकते हो, फ्राई कर सकते हो। तो जी यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया, तो चलो अब इसको रख देते हैं, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो जी यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है हमारा रोस्टेड, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था हमारा चिकन। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसको ज़रूर ट्राई करना। तो जी नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर देख रही थी ये ज्वेलरी मैंने निकाली थी। कुछ चीज़ें अच्छा होती हैं आपके पास जो कुछ यादों के तौर पर होती हैं, तो बस मैं यहाँ पर वही सब पुरानी चीज़ें निकाल कर देख रही थी। मेरा बहुत दिल हो रहा था कि मैं निकाल कर देखूँ इनको, तो बस मैं यहाँ पर वही देख रही थी। और ये जो क्लच है ना जो आप देख रहे हो, ये मैंने अपनी फ्रेंड से मुंबई से मंगाया था, तो बस याद आ गई मुझे कुछ बातें, कुछ यादें। इधर देखो, इधर ये क्यों उतारा है, क्यों तो आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। इधर देख रही हूँ कि नहीं, हाँ पहनो जल्दी। हाँ वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है ये, है ना। क्या खाओ? फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड आलू के कटलेट, तो चलो बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनते हैं। और ये मैंने ब्रेड को ग्राइंड कर लिया, ये कम से कम 7 से 8 ब्रेड्स थी, मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं आलू उबालने के लिए डालूंगी, आलू जब उबल जाएंगे तब इनको मिलाएंगे, तो चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, पहले आलू हम इसको मैश कर लेंगे, आलू को सारे आलू जो हैं वो इस तरह से मैश कर लेंगे मैशर से। देखिए ये क्रम्स जो है इसमें डाल देंगे हम, आलू को हमने मैश कर लिया है, सारे क्रम्स इसमें डाल दिए हैं। देखिए ये मैं प्याज है, आधी प्याज है, ये धनिया है और ये एक मिर्च है, तो ये हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स और आलू में हम इसको डाल देंगे। तो ये देखिए लाल मिर्च हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी, और ये इसमें चाट मसाला पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से इसको बना लेंगे हम, इसके कटलेट टाइप के हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से कटलेट बन गए, इसको हम यहाँ पे रखते जाएंगे एक एक करके। ब्रेड्स जो हमारे बन गए हैं, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे।
फ्रेंड्स आप हमें यहाँ पर जज मत करना, इतना छोटा सा पैन और इतना बड़ा कल्चर, ये गलती हमसे हो गई थोड़ी, बट कोई नहीं, ये है शायद नॉन कुक्स की निशानी आप कह सकते हो, बट हमने कोशिश की, हमने ट्राई किया, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे इंसान कोशिश करना भी नहीं जानता है। लेकिन ये हमारी कोशिश एक बार नहीं, हम इससे पहले ही बहुत बार ट्राई कर चुके हैं और हमने काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट भी हमें मिला। ये जो कटलेट्स है ना, ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बने थे, तो बस हमारे लिए यही बहुत है कि हमने कोशिश किया, हमने ट्राई किया। बस ख़त्म हो गई है फ्रेंड्स, तो काम चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स मैंने स्माइली भी फर्स्ट टाइम बनाई है सॉस से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने सही बनाई है या गलत बनाई है। फ्रेंड्स ये बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बने थे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आपको मेरी सिस्टर की रोस्टेड की रेसिपी पसंद आई होगी और हमारी जो ब्रेड कटलेट्स की रेसिपी है वो भी आपको पसंद आई होगी। और जुनारा आज फर्स्ट टाइम स्कूल गई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत कम हैप्पी होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। अब समरा की बहन है तो हैप्पी तो होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पढ़ाई में कैसी निकलती है। आई होप कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छी निकली। तो फ्रेंड्स अगर आपको कटलेट की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो प्लीज़ आई होप इसको आप कमेंट या जज मत करिएगा, बस अच्छे अच्छे कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा खुश कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। सन आपने ब्लॉग को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।